रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले ठीक है ओके सो बिस्मिल रहीम Amazon जो है उसका सिंपल स्टार्ट होता है दो तरीकों से एक ये होता है कि आपको पहले Amazon में लॉग इन करना है देखना है कि Amazon क्या है उसमें दो चीजें होती हैं। एक को कहते हैं Amazon शॉपर अकाउंट ठीक है एस एच ओ पी पी आर शॉपर अकाउंट जिसको हम आम जुबान में बायर अकाउंट कहते हैं यानी जो चीजें खरीदने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे दराज के ऊपर हम सबका एक अकाउंट होता ही है हम सबका बायर अकाउंट होता है इसी तरह एमेजोन पे भी चीजें खरीदने के लिए जो अकाउंट बनता है अगर आप ना भी बनाओ तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन बेहतर होता है कि आप उसमें एक दफ़ा साइन अप कर लो और फिर साइन इन कर लो तो आप इस तरह से अमेजोन के अंदर एंटर हो जाओगे अच्छा एक और बात आप खुद को म्यूट कर लो मैं आपसे जो मैं पूछ रही हूँ उसका ओके जी समझ आ गया वो मैं आपसे पूछूंगी तो आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है ताकि रिकॉर्डिंग में आपकी और मेरी आवाज़ से डिस्टर्बेंस होगी रिवाइज करते हुए बहुत मसला आएगा आपको तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताना जब मैं पूछूंगी ठीक है ओके okay, सो so ये आपका बायर अकाउंट होता है और इसके बाद यह शॉपर अकाउंट दूसरा अकाउंट जो होता है वो सेलर अकाउंट होता है जो सेलर अकाउंट है वो ये वाला अकाउंट है जो मैंने अभी जिसमें लॉग इन किया है इसको एमेजॉन सेलर सेंट्रल कहते हैं या एमेजॉन सेलर अकाउंट भी कहते हैं आम जुबान में अमेजोन सेलर अकाउंट होगा टेक्निकल लैंग्वेज में एमेजोन सेलर सेंट्रल या एमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट होता है आपने ये सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं बनाना इसमें आपने खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी एमेजोन के एल्गोरिदम में आपका नंबर या ईमेल एक दफा अगर चली जाती है तो वो उसे कभी भी नहीं भूलता उसका पूरे का पूरा एमेजोन वेब सर्विसेज है जिसके वजह से इसका एलगोरिदम इतना अच्छा है कि ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि उनका अपना इन्होंने अपना पूरा वेब सिस्टम डेवलप कर लिया है तो इसलिए आपने सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं बनाना अब उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत हैं वजुहत है। में से एक वजह यह है कि हम पाकिस्तान में तो सैलर अकाउंट है ही नहीं जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हम उसकी सेलर लिस्ट में नहीं आते हैं पाकिस्तान के अलावा जापान हो गया जर्मनी हो गया इंडिया हो गया ठीक है और इस तरह से जो और जितने भी ममालिक है यूएसए है यूके है ये सब उसकी सैलरी लिस्ट में है यूएई भी है लेकिन हम नहीं है हम आ जाएंगे इनशाला आहिस्ता चीजें बदलती हैं लेकिन फिलहाल नहीं है तो फिर हम क्या करें हम किस मुल्क के अंदर काम करें तो हम उसमें यूएसए को चूज करते हैं यूएसए को चूज करने की वजह यह है कि इसका जो ऑनर है एमजोन का उसका नाम जेफ बिजोज है लेट मी शो हिज पिक्चर आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है ठीक है दिस इज द पर्सन जेफ बिजो ठीक है इसने बेसिकली इसको बनाया था एज आ बुक स्टोर नाइनटीन नाइनटी थ्री फोर के अंदर और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इसने देखा कि आईटी का दौर है तो इसने अपने अमेजोन को इंट्रोड्यूस कराया और उसको बढ़ाता चला गया और ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी बना तो जेफ बिसोस जो है वो अमेरिकन ही है और इसने अमेरिका के अंदर सबसे पहले इसका काम किया तो इसीलिए अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है स्टैट्स बताते हैं कि अमेजोन के ऊपर लोग दो डॉलर्स अगर स्पेंड करते हैं अपने रूटीन में तो अमेजोन पे वो 1.5 प्लस डॉलर स्पेंड करते हैं यानी डेढ़ डॉलर लोग अमेजोन पे स्पेंड करते हैं बिकॉज यू कैन बाय एवरीथिंग यू कैन बाय मूवीज यू कैन बाय यू नो फूड यू कैन बाय एनी यू वॉन्ट इवन बुक्स हो कुछ भी हो हर चीज बिकती है अमेजोन पे और हर चीज बड़ी अच्छी क्वालिटी में बिकती है ये नहीं कि सिर्फ बिकती है जैसे दराज है तो दराज पे अगर दस चीजें बिक रही हैं तो दस में से एट चीजें क्वालिटी वाइज बहुत बुरी होती हैं दो ही चीजें ठीक हैं ये बात फैक्ट है ठीक है मैं भी दराज की यूजर हूँ और मुझे अंदाजा है क्वालिटी बहुत बहुत बुरी है और लेकिन अमेजोन ऐसा नहीं है अमेजोन के ऊपर आप जो चीज मंगाएंगे उसमें से दस में से आठ चीजें ठीक हैं दो में वो प्रॉब्लम आती है वो अगर आप अमेजोन को बता दें कि ये मसला है तो अमेजोन उस सेलर को ब्लॉक कर देता है उसको वार्निंग्स दे देता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है मुझे परवाह है मेरे कस्टमर की यही वजह है कि अमेजोन ज्यादा सक्सेसफुल है बिकॉज अमेजोन कस्टमर ओरिएंटेड है ओके okay, तो आपने यहाँ यूएई में काम नहीं करना आपको कल को बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे यूएई में काम कर लो ठीक है जर्मनी में कर लो जापान में कर लो चाइना में कर लो इंडिया में कर लो या यूके में भी कर लो और आपने उन सबको नो कहना है इसकी वजह देखें आपने जब काम करना है पैसे लगाने हैं मेहनत करनी है तो आप ऐसी जगह पे करो जहां पर आपको उसके चांसेस ऑफ विनिंग और चांसेस ऑफ अर्निंग दोनों ज्यादा अच्छे हों ये वही बात है कि आपको एक छोटे शहर में स्कूल में जो तनहा मिलती है वो थोड़ी होती है और यही आप अच्छे स्कूल में कहीं और जगह पढ़ाने जाओ तो आपको पता है कि वो दे गिव यू गुड प्लस वो आपको बहुत से बेनिफिट्स भी दे रहे होते हैं तो ये इसी तरह का कंपेरिजन है एक बात मैंने जो बतानी थी वो ये थी कि देर इज अकाउंट एंड देर इज अलर अकाउंट सैलर अकाउंट जो यूएसए का है जो हम बनाएंगे या जिस पे हम काम करेंगे वो आपने खुद क्रिएट नहीं करना होता ये आपका काम नहीं होता ये काम होता है अकाउंटेंट का जिसने अकाउंटिंग पढ़ी होती है जिसको बिजनेस लॉज की सेंस uh, होती है अकाउंटिंग की फॉर्म में वो आपका ये सारा काम करके देता है तकरीबन एक हजार डॉलर में आपका ये सैलर सेंट्रल अमेरिका का बनता है जिसमें आपके अमेरिका की अपनी कंपनी भी होती है आप अमेरिका का फोन नंबर बाय करते हो अमेरिका का बैंक अकाउंट होता है अमेरिका की सारी डिटेल्स होती हैं दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू अमेरिका और ये सारा कुछ तकरीबन एक हजार डॉलर में आपको एक अकाउंटेंट करके दे देता है और वो आपको ये सैलर सेंटर भी बना के दे देता है तो ये जब आपने बनवाना होगा तो आपने मुझे बताना है वी हैव द अकाउंटेंट्स इन आवर टीम दे वर्क ऑन दैट बिकॉज मार्केट में और बहुत से लोग हैं जो रिलायबल काम नहीं कर रहे हैं इस वजह से हमने रिलायबल काम करना है पंखा बंद था ना बेटा ठीक है तो रिलायबल काम करना है ठीक है तो ये अभी फिलहाल आपने सैलर सेंट्रल की टेंशन नहीं लेनी इसको आप कर दें बंद हम आ जाते हैं कि आपने गूगल पे जाना है ठीक है गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है एमेजॉन साइन इन सॉरी साइन अप ठीक है शॉपर अकाउंट ये आपने साइन अप करना है इसके अंदर आपने अमेजोन डॉट कॉम कि अमेजॉन नहीं बेटा वो ऊपर पड़ी हुई है उसकी ये लाइट ऑन करो ना माइक्रोवेव वन पे हाँ ठीक है तो यहाँ पर आपने ये साइन इन या, क्योंकि मेरा साइन इन हुआ साइन अप हुआ व इसलिए वो साइन इन कह रहा है आपने सिंपली इसके अंदर साइन इन करना है एक बात मेक श्योर sure कर लीजिएगा कि आप जो सेलर सेंट्रल है ना उसके अंदर नहीं साइन अप करना आपने ठीक है ये आपको वहां पे इजीली शो कर देगा क्योंकि मैं हर तरफ से साइन इन उससे मुझे साइन अप शो ही नहीं कर रहा ठीक है अगर आप शॉपर अकाउंट ना भी लिखो तो आप सिंपल अगर अमेजोन साइन अप कर दोगी तब भी वो आपको सैलर सेंट्रल नहीं देगा वो आपको सिंपल अकाउंट में ही करवाएगा जैसे ये है क्रिएट अकाउंट एमेजोन डॉट कॉम ये पेज आपके सामने आएगा ठीक है इसमें आप अपना नाम दोगी अपना फोन नंबर दोगी अपना पासवर्ड जो भी आपका है और आगे एक पजल आएगी वो सॉल्व करनी है लेकिन इसके अंदर परेशानी वाली कोई बात नहीं इसमें आप अपनी डिटेल्स आराम से दे सकती हो जो भी देना चाहो ओके okay, यहां तक समझ आ गया तो चैट बॉक्स में बता दें मुझे चैट बॉक्स में बता दें समझ आ गया आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें नहीं 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 ये जब आप लेक्चर रिवाइज करोगी तो फिर आप ये सारा कुछ करोगी अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ और जो बता रही हूँ वो समझ आ रहा है तो इस बात का मुझे बता दें कि आपको समझ आ रहा है ये तो आपको जब इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आप रिवाइज करोगी तो फिर आप प्रैक्टिकली करना अभी आपको समझ आ रही है ना कुछ नहीं अकाउंट ओपन करने का सिर्फ ये है आपने गूगल पे जाना है गूगल पे जाके लिखोगी एमेजॉन साइन अप सर्च कर दोगी आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें से आपने साइन अप एमेजॉन डॉट कॉम इस पे भी क्लिक कर सकती हो क्रिएट अकाउंट पे भी कर सकती हो ठीक है ये डिफरेंट ऑप्शन आते हैं या क्रिएट अकाउंट एमेजॉन डॉट कॉम इस पे भी क्लिक कर सकती हो तो इनमें से किसी पे भी क्लिक कर लो मैंने क्रिएट अकाउंट एमेजोन डॉट कॉम पे क्लिक किया है और ऊपर लिखा था Amazon साइन अप ठीक है जब रिवाइज करोगी रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा आप इसको रोकना रोक के देखना और जो लिखा हुआ है जो बता रही हूँ वो करना तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पेज इस पे ये स्टेप्स है सिंपल आपने नाम डालना है अपना ईमेल डालना है जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे साइन अप करती हो ना वैसे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा और ये पेज आपके पास फिर ओपन हो जाएगा जहाँ यहाँ हेलो मोहम्मद लिखा है यहाँ आपका नाम आ रहा होगा अगर आपका नाम आपने जैनब से किया होगा तो यहाँ हेलो जैनब लिखा आ रहा होगा दैट्स इट सिर्फ ये करना है ठीक है ये करने के बाद आपने जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने अमेरिका के ऊपर अमेरिका में काम करना बेटा सिदरा तो उसके लिए यहां पर आपने एमेजोन ये जो लिखा होगा ना उसके साथ डिलीवर टू लिखा हुआ आ रहा होगा इस डिलीवर टू को क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपके पास बॉक्स आएगा जिसके आगे अप्लाई लिखा हुआ है अप्लाई से पहले आपने यहां पे वन जीरो 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 वन लिख के अप्लाई पे क्लिक करना है और डन कर देना है तो आपको ये डिलीवर टू न्यूयॉर्क और उसका जिप कोड आगे लिखा हुआ है वन जीरो 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 वन यानी वन ट्रिपल जीरो कोड आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा ये क्या हुआ है बेसिकली कि देखें अगर आपने अमेरिका में चीजें सेल करनी है तो आपको पता होगा कि अमेरिका के लोगों की चॉइसेस क्या है जैसे ये आपको फुटबॉल नजर आ रहा है ठीक है ये फुटबॉल जो है ये पाकिस्तान में तो नहीं खेलते या इतनी डिमांड नहीं है जितनी कि अमेरिका में है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसी मार्केट की अमेजोन ओपन करो अपने सामने जिस मार्केट में आपने चीजें सेल करनी है अगर आप पाकिस्तान की यहाँ वैसे जो है ऑटोमेटिकली यहाँ डिलीवर्ड टू पाकिस्तान आ रहा होगा क्योंकि उसको पता है कि आप पाकिस्तान से लॉग इन किया आपने लेकिन आपने इसको न्यूयॉर्क करके अमेरिका की एक स्टेट न्यूयॉर्क का इसलिए कोड डाला क्योंकि आप चाहती हो कि मुझे वो वाला अमेजोन का अकाउंट नजर आए शॉप पर जिसमें मुझे अमेरिका में चीजें बाय करनी है वाई बिकॉज यू वॉन्ट टू सी दैट वट अमेरिकन बाय ठीक है ना कि ये के पाकिस्तानी क्या बाय करते हैं क्योंकि हमने काम अभी अमेरिका में करना है इसलिए हमने ऊपर इसका डिलीवर टू चेंज करना है हमेशा ये काम किए बगैर कभी भी आपने आगे काम नहीं करना अक्सर स्टूडेंट्स काम करते हैं और उन्होंने यहाँ ऊपर डिलीवर टू पाकिस्तानी रखा होता है सो मेक श्योर अगेन एंड अगेन एंड अगेन राइट इट इन बोल्ड दैट यू ऑलवेज हैव टू चेंज इट टू न्यूयॉर्क वन जीरो जीरो वन इज इट ओके यहां तक समझ आया आपको कि हम डिलीवर टू चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं सिदरा बेटा कहा ठीक हो गया और राइट right. अब ये आपका चेंज हो गया साइन अप आपने कर लिया साइन इन उसके बाद आपका हो गया डिलीवर टू चेंज हो गया नाउ हेयर कम्स द मेन पॉइंट एंड वट इज वी आर गोइंग टू बाय और एक्चुअली हम बाय तो नहीं करने वाले यू कहना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू सेल हमने क्या बेचना है अमेजोन पे देखें यहां आपको लेफ्ट साइड पे ऑल नजर आ रहा है अगर आप इस यहां आपको ऑल नजर आएगा आप अगर ऑल पे क्लिक करेंगी ना तो नीचे आपको ये ढेर सारे शॉप पर डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे कि ये सारे अमेजोन की चीजें हैं डिपार्टमेंट्स हैं कैटेगरीज आम ज़ुबान में जिसमें अमेजो चीजें बेच रहा है यानी वो क्लोदिंग भी बेच रहे हैं शूज एंड ज्वेलरी वॉचेस एमेजोन फ्रेश फ्रेश में भी वो मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं जैसे ब्रेवरेज ब्रेड डेरी यू नो फ्रोजन फ्रूट फ्रूट मीट और राइट सो पीछे आ जाए उसके बाद बुक्स भी वो सेल कर रहे हैं मूवीज भी सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर स्मार्ट होम होम गार्डन एंड टूल्स पेट सप्लाई फूड ब्यूटी हेल्थ हैंडमेड मोहम्मद काउटडोर स्पोर्ट्स हैंडमेड ये सारी के सारी कैटेगरीज है जिसमे अमेजोन चीजों को सेल कर रहा है ठीक है तो पॉइंट ये है की आप क्या सेल करना चाहती हो Right? राइट आप अगर वीए किसी के लिए काम करती हो तो आप उसको क्या सजेशन दोगी कि वो क्या सेल करे वो आपको कह देता है मैंने गर्ल्स की हुडी सेल करनी है या मैं मोबाइल फोन का कवर सेल करना चाहता हूँ या मैं ड्रोन सेल करना चाहता हूँ यू नो या लैपटॉप टेबल टॉप सेल करना चाहता हूँ या यू uh, नो you know, कोई ब्यूटी uh, क्रीम सेल करना चाहता हूँ तो इज इट लाइक समथिंग वी शुड बी सेलिंग क्या जो हमारा दिल करता है या जो हमारे पास अवेलेबल है क्या हमें वो सेल करना चाहिए जैसे बहुत से फैक्ट्री ऑनर्स ये कहते हैं कि भाई मैं uh, जूते बनाता हूँ ठीक है तो क्या मैं जूते सेल कर दू हम कोशिश करते हैं कि हम वो चीज सेल करें जो के प्रोडक्ट पॉइंटर्स हों और उनके ऊपर पूरा उतरे ठीक है तो ये जो डिमांड है जो आपने लिखी है वी हैव टू एनालाइज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट दिस इज वन प्रोडक्ट पॉइंटर ये एक प्रोडक्ट पॉइंटर है देर आर टू मेन प्रोडक्ट पॉइंटर्स आई रिपीट देर आर टू मेन प्रोडक्ट पॉइंटर्स वन इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्ट पॉइंटर सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्ट पॉइंटर ठीक है प्राइमरी प्रोडक्ट पॉइंटर्स जो है वो तीन हैं कॉम्पिटिशन प्रोफिटिबिलिटी एंड डिमांड कि प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन चेक करो प्रोडक्ट की प्रोफिटिबिलिटी चेक करो प्रोडक्ट की डिमांड चेक करो उसके बाद सेकेंडरी जो है क्राइटेरिया उसके अंदर आता है कि आप मजीद तीन चीज़ें चेक करो दैट इज़ इम्प्रूवमेंट पोटेंशल क्या आपकी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल होना चाहिए लीगल लिमिटेशन क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर लीगल लिमिटेशन तो नहीं है कोई और इज टू सोर्स इम्पोर्ट एंड सेल क्या आपकी प्रोडक्ट ईजी हो सोर्स करने के लिए सोर्स मतलब मंगवाना जहाँ से भी आपने बनवानी है और मंगवानी है इम्पोर्ट उसकी इम्पोर्ट आसान हो और सेल और उसको बेचना आसान हो यानी ईजी टू सोर्स इम्पोर्ट एंड सेल ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए ठीक है सेकेंडरी क्राइटेरिया आई रिपीट इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल नंबर टू लीगल लिमिटेशन नंबर थ्री इम्पोर्ट एंड सेल तो ये टोटल छह क्राइटेरियाज हैं छह प्रोडक्ट पॉइंटर्स हैं लेकिन हमने इनको दो मेन कैटेगरीज यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया है प्राइमरी भी तीन है और सेकेंडरी भी तीन है यहां तक समझ आ गया आपको हाँ ये वाला पानी ठंडा है तो फ्रिज में पड़ा है मिक्स करना है तो उधर से लेके नहीं इट्स लाइक अ पंप घर अच्छा जी ठीक हो गया यहाँ तक आपको आगे समझ अकाउंट आपने बनाना है और उसके बाद आपने प्रोडक्ट के पॉइंटर्स देखने हैं जो कि आपको फिर तीन है और उसके ऊपर हम वन बाय वन काम करेंगे कि किस तरीके से करना है ठीक हो गया यहाँ तक काफी है या मैं और आगे ठीक हो गया अच्छा अब जो प्राइमरी क्राइटेरिया है उसके अंदर कंपटीशन प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड आता है ठीक है आपने प्रोडक्ट की कंपटीशन सबसे पहले चेक करनी है ठीक है वो क्या है फॉर एग्जांपल लेट सपोज के आपके जहन में एक आइडिया आया कि अब आई शुड सेल लाइक मे बी नाइफ ठीक है जो आपको बेचना चाहिए तो आपने उसको सर्च किया नाइफ लिखा ठीक है यहाँ पर सर्च बार में और उसको सर्च किया ये क्या कर रही हो आप अब आप प्रोडक्ट को ढूंढने लगी हो और आपने सोचा मैं भी नाइफ ही सेल करती हूँ और आपने नाइफ को सर्च किया कि मैं देखूँ किस तरह के नाइफ्स हैं अच्छा अब एक और बजे की बात आपने सारी यहाँ कैटेगरीज देखी थी या ऑल में आपको नजर आई होगी ठीक है ना जो मैंने आपको दिखाई आपने इन सारी कैटेगरीज में सेल नहीं करना ठीक है इन सारी कैटेगरीज के बजाय आपने सेल करना है सिर्फ तीन कैटेगरीज में स्टार्ट में स्टार्ट में ठीक है होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ठीक है और चलें चौथी भी कर लें गार्डन ठीक है होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एंड गार्डन ये चार कैटेगरीज बन जाती हैं स्टार्ट के अंदर इस क्यों इसकी वजह ये है कि इनके डिमांड ज्यादा है बाकी के अंदर कुछ लीगल लिमिटेशन आती हैं. वो क्या है वो जब तो हम पढ़ेंगे तब मैं आपको दा तसली से बताऊंगी अभी सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आप हर चीज नहीं बेच सकते स्पेशल परमिशन देनी पड़ती हैं और उसमें बहुत सी चीजें चेक करनी पड़ती हैं तो इसीलिए स्टार्ट में हम उन कैटेगरीज में जाएंगे जो सेफ हैं, ठीक है और ये होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एंड गार्डन ये बेसिकली जो है ये काफी ज्यादा उसमें आती हैं, आ, मतलब कि इसके अंदर लीगल लिमिटेशन कम है उसके बाद अब आपने नाइफ को सर्च किया नाइफ को सर्च करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट आ गया यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यानी वन फोर्टी एट ऑफ ओवर फोर्टी थाउजेंड यानी कि चालीस हजार रिजल्ट है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि नाइफ जो है उसको चालीस हजार लोग सेल कर रहे हैं ये ऐसी आप समझ लो आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में एंटर हुई हो पेस में एंटर हुई हो तो पेस में आपने नाइफ अगर खरीदना हो तो उस एक पेस के चालीस हजार दुकाने हैं जो नाइफ बेच रही हैं तो वहां पर अगर आप भी जाकर नाइफ बेचना शुरू कर दोगी तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं बहुत कम you know, है यू नो कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि पहले से चालीस हजार लोग बेच रहे हैं तो आपके लिए कंपटीशन करना मुश्किल हो जाएगा आप एक तो नए सेलर हो या चांसेस ऑफ विनिंग विल बी वेरी 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 लो सो आपने ये बात ध्यान में रखनी है पहला प्रोडक्ट पॉइंटर प्राइमरी कि आपका कंपटीशन यहां पर तीन हजार होना चाहिए ठीक है वो यूनिक वाला पॉइंट बाद में आएगा अभी आपके जहन में सिर्फ ये पॉइंट आना चाहिए कि यहाँ पर चालीस हजार नहीं होना चाहिए ये यहाँ चालीस हजार हो और आप यूनिक भी हो तब भी किसी को नजर नहीं आएंगे बिकॉज दे ऑल और यूनिक वो सब भी यूनिक ही हैं ठीक है नो no, पर आपने पहले स्टार्ट में अपने आप को कम बजट से इंट्रोड्यूस कराना है ताकि आपका रिस्क कम से कम हो रिस्क मैनेजमेंट को पहले आपने नोटिस में लेकर आना है तो यहाँ पर तीन हजार होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ तीन हजार हो या तीन हजार से कम हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नाइफ होल्डर लिखू जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल नाइफ होल्डर और सर्च करूं तो आपको नजर आ रहा है नाइफ होल्डर सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी नाइन है मतलब ये जो प्रोडक्ट है नाइफ होल्डर इसको सेवन सेवेंटी नाइन लोग सेल कर रहे हैं नो योर चांसेस ऑफ विनिंग आर हायर या अगर आप कहती हो अच्छा ये भी ठीक है लेट मी जस्ट ट्राई टू यू नो सेल मैग्नेटिक नाइफ होल्डर तो आपने इसको सर्च किया तो देखो उसमें फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू लोग यानी और भी कंपटीशन कम हो गया तो आपने सबसे पहले जो भी कोई प्रोडक्ट का आइडिया आपके जहन में आए उसको लिख के उसको सर्च करना है सर्च करने के बाद उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग स्पोर्ट्स एंड आउटडोर या गार्डन है आप वह कैसे पता चलेगा जब भी कोई प्रोडक्ट आपने देखी और आपको लगा ठीक है कंपटीशन तो जो तीन हजार से नीचे का ही है तो आप नीचे गई नीचे जाने के बाद आपने कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन करके देखो कैटेगरी के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ जब आप उसे ओपन करोगी तो ये प्रोडक्ट का डिटेल्ड पेज होता है यानी प्रोडक्ट की जिसपे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसका टाइटल उसकी प्राइस उसकी वेरिएशन ठीक है और नीचे आती जाओगी तो आपको नज़र आएगा प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये नीचे दो बॉक्सेस हैं कि कलर सिल्वर है मटेरियल स्टेनलेस स्टील है यहाँ आने के बाद आपको यहाँ नज़र आएगा बेस्ट सेलर रैंक और इसके आगे लिखा हुआ है किचन एंड डाइनिंग ठीक है तो ये जो प्रोडक्ट अभी मैंने सर्च की है ये किचन एंड डाइनिंग की है होम एंड किचन किचन एंड डाइनिंग ये एक ही चीजें होती हैं तो इसका मतलब है हाँ ठीक हो गया ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको कैटेगरी समझ आ गई है ठीक है तो ये आपका पहला क्राइटेरिया आपको समझ आ गया कि मैंने एक तो कंपटीशन चेक करना है और दूसरा ये भी देखना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी वही है जो मैंने बताई थी आपको या नहीं ठीक है ओके okay, यहाँ तक समझ आ गया आपको अभी मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी और आपको कोई क्वेश्चन